आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो कई मायनों में खास है। 4 पैकेज वाले इस राजमार्ग की कुल लेन वाइज लंबाई 563 किलोमीटर है। NH-8 पर शिव मूर्ति से शुरू होती ये सड़क खेरकी दौला टोल प्लाजा पर खत्म होती है। इस परियोजना के निर्माण में देश में पहली बार 1200 पेड़ों को रीट्रांसप्लांट किया गया। देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। हरियाणा में सिंगल पियर पर बनी 34 मीटर चौड़ी 8 लेन एलिवेटेड रोड स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर का नमूना है। इस एक्सप्रेस कंट्रोल अर्बन एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर एंट्री पॉइंट्स का निर्माण किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। इस 8 लेन ग्रिड ऑपरेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड हैं। इस परियोजना का सड़क नेटवर्क 4 लेवल का है, जिसमें टनल, अंडरपासेस, एट ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर तथा फ्लाईओवर के ऊपर बना फ्लाईओवर शामिल है। इस हाईवे के निर्माण में 2,00,000 मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया, जो विश्व विख्यात आईफिल टावर के निर्माण में लगे स्टील से 30 गुना ज्यादा है। इस परियोजना में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया गया, जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में इस्तेमाल किए गए सीमेंट से 6 गुना अधिक है। ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लैस है। यह परियोजना पूरी तरह से पूर्ण होने पर द्वारका से मानेसर सिर्फ 15 मिनट में, मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में, द्वारका से NH-1 सिंधु बॉर्डर 25 मिनट में तथा मानेसर से NH-1 सिंधु बॉर्डर 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। पूर्ण होने पर यह सड़क द्वारका के सेक्टर 25 के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा तथा IGI एयरपोर्ट तक यात्रा के लिए नया विकल्प देगा। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होगा, दिल्ली की पश्चिमी हिस्से की गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चरल तकनीक से बना द्वारका एक्सप्रेसवे भारत के बुनियादी संरचना के परिदृश्य को अत्याधुनिक करने का प्रयास है।